आज आपको पता चलेगा कि 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन बेस्ट होता है, ये 64 मेगापिक्सल, ये 48 मेगापिक्सल, ये 50 मेगापिक्सल। ऐसे यहाँ पर मैं आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ यहाँ पर प्लस पॉइंट को ऐड किया हूँ। देखो बताऊंगा जरूर, लेकिन जिलेबी जैसे घुमाऊंगा तभी बताऊंगा। देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले अपने मन से एक चीज क्लियर कर दो, मेगापिक्सल पे बिल्कुल मत जाना किसी भी स्मार्टफोन में, चाहे 108 मेगापिक्सल हो या 200 मेगापिक्सल हो या 600 मेगापिक्सल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो यहाँ पर 200 मेगापिक्सल 600 मेगापिक्सल नहीं है इनफ, यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन अभी की डेट में आपको मिल रहा है। फिर लोगों को कमेंट था कि भाई 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन बताओ, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ लिस्ट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ स्मार्टफोन है जो 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है, मोटोरोला G60, ये आपको बिस्के के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। रियलमी का रियलमी 8 प्रो, ये भी आपको बिस्के के अंदर में मिलेगा। रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, ये भी बिस्के के अंदर में आता है। मोटोरोला एड्स 20 फ्यूजन, ये स्मार्टफोन 25 फ्यूजन के अंदर में आता है। एंड नाउ यहाँ पर सोमी का 11i, जो आपको 25 के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ और स्मार्टफोन है, और ये सारा स्मार्टफोन 20 से 25 के अंदर में नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा इसे हटा ही देता हूँ क्योंकि ये सारा स्मार्टफोन फ्लैगशिप है। आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों का बजट है 20K से 25K के अंदर में, यानी कि 20 से 25K के अंदर में, उन लोगों को बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, वो भी 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। सच में देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 108 मेगापिक्सल सेंसर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्मार्टफोन में जो सबसे खास होना चाहिए कैमरा के अंदर, वह है मेगापिक्सल नहीं बाकी सेंसर है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि स्मार्टफोन के अंदर कौन सा सेंसर यूज किया गया है, सोनी का या सैमसंग का या किसी और ब्रांड का। देखो उस पर डिपेंड करता है, ऐसा भी नहीं है कि अगर सैमसंग का सेंसर है तो खराब फोटो आएगा, सोनी का सेंसर है तो अच्छा फोटो आएगा, ये भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि सैमसंग का GW1 या कौन सा सेंसर यूज किया गया है, और सोनी का IMX471 या कौन सा सेंसर यूज किया गया है, तो ये डिपेंड करता है कि एक स्मार्टफोन का कैमरा बेस्ट है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया कि 48 मेगापिक्सल चाहे 64 मेगापिक्सल हो या चाहे 108 मेगापिक्सल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना पड़ता है कि स्मार्टफोन के अंदर कौन सा सेंसर यूज किया गया है। लेकिन अगर आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन खरीदना है, तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा दिया, इनमें से किसी एक को देख लो, सारा स्मार्टफोन बेस्ट है, लेकिन ध्यान रखना ये सारा स्मार्टफोन ओल्ड है। पर मेरे नजर में अभी की डेट में 25 फ्यून के अंदर में एक ही स्मार्टफोन है जो मुझे रियलमी का रियलमी 9 प्रो प्लस, ये स्मार्टफोन 25 फ्यून के अंदर में आता है, और अभी की डेट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। रियलमी का 9 प्रो प्लस में बहुत ही हाई लेवल का कैमरा यूज किया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि फ्लैगशिप कैमरा है, और ये सेंसर आता है सोनी का IMX766 OIS के साथ, जो कि रियलमी में ओसम सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। चाहे आप डे लाइट का फोटो देखो, इंडोर का, आउटडोर का, बहुत ही ज्यादा बेस्ट फोटो क्लिक करता है। मुझे ये स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही अच्छा लगता है। इस वाले स्मार्टफोन का कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। स्मार्टफोन के अंदर बड़ी बैटरी बैकअप, डिस्प्ले, प्रोसेसर तगड़ा दे रखा है। एमोलेड डिस्प्ले है, 4500 mAh की बड़ी बैटरी है, साथ में यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 वाला चिपसेट मिल जाता है। यही स्मार्टफोन है जो 25 फ्यून के अंदर में आता है और सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया कि मेगापिक्सल में बिल्कुल मत जाना। देखो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि काफी लोग कंफ्यूज हो रहता है कि भाई बेस्ट स्मार्टफोन बता दो, 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन बता दो, 64 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन बता दो। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया, मेगापिक्सल में बिल्कुल मत जाना, स्मार्टफोन के अंदर कौन सा सेंसर यूज किया गया है, तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ता है जो मैं आपको अभी बता दिया, रियलमी का रियलमी 9 प्रो प्लस। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।